إن الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله عنده علم الساعة تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلق علمی اللہ ملک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریہ والی بتہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو
अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुकद्दस मुअल्ला आला व अरफा किताब दा एक मुकाम है। रब अर्ज़ो समा कोलो दुआ है, अल्लाह मैं गुनाहगार नू इहदा मफहूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। रब अर्ज़ो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब मोहब्बत अकीदत मवद्दत चाहत प्यार उल्फत उनस दे नाल तशरीफ लेके आए हो, अल्लाह सबनों अमल दी तौफीक अता फरमा दे। कल की होने वाला है इदा इलम अल्लाह ने किसे नहीं दिता। अल्लाह मालिकुल अल्लाम तो सिवा किसे दे इलम दे अंदर नहीं है तो कल की होएगा। और अल्लाह ने कि इन अल्लाह इंदहु इल्म सा क्यामत दा इलम भी साढ़े कोल है, ये भी किसे नहीं पता कि क्यामत कदों आएगी, क्यामत कदों कायम होएगी। हाँ इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी नहीं दस्या गया ते ना पहले नबियां नू दस्या गया कि क्यामत कदों आएगी। अल्लाह दा साडे इलम दे अंदर कि क्यामत कदों बपा होएगी। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात और निशानियां वाजे कीतियां जिथों पता लगता है कि क्यामत दा ज़हूर करीब करीब है। अलामत सुगरा तो शायद ही को बाकी बची होए, सारियां ही ज़हूर पज़ीर ने। इमाम अल-अंबिया हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिमें जिमें क़यामत करीब आएगी यनकुसुल अमल बेअमली आम हो जाएगी। और ये बेअमली का दौर है, एक दो मसलियां ते लोग अमल करते ने। नबी पाक आंदे ने जिमें जिमें क़यामत करीब आएगी यकसर ज़िना ज़िना भी आम हो जाएगा। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक आंदे ने कि जिमें जिमें क़यामत करीब आएगी तस्लीमुल हासा सलाम भी लोग खास बंदियां नूं करनगे, माड़े बंदे नूं तो कोई सलाम भी नहीं करेगा। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें जिवें क़यामत करीब आएगी या तकारबुज़ ज़मान ज़माना भी करीब हो जाएगा। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें जिवें क़यामत आएगी युकिल्लुर रिजाल बंदे बेचारे थोड़े हो जाएंगे और औरतां ज़्यादा हो जाएंगियां। और नबी पाक ने कदों दियां गल्लां दसियां ने, मुंडे दो होंदे ने ते कुड़ियां सत होंदियां ने, मुंडा एक होंदा ते कुड़ियां नौ होंदियां ने। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जब क़यामत करीब आएगी यभी उदीनहु बियारज़िम मिन दुनिया लोग थोड़े जे दुनिया के फायदे की खातर अपना दीन ईमान वेच देंगे। क़यामत करीब आएगी सरकार आंदे ने यरफुल इलम इलम ते उठी जाएगा। सरकार आंदे ने क़यामत करीब आएगी यकसुरुज़्ज़िना ज़िना ते आम ही हो जाएगा। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गल्लां 1400 साल पहला दसियां ने। इमाम कायनात ने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी शहादतुज़्ज़ूर नबी पाक ने फरमाया झूठी गवाही भी आम हो जाएगी। और सरकार आंदे ने जिवें जिवें क़यामत करीब आएगी कितमानुल हक हक की तो गल ही कोई नहीं करेगा, सारे झूठियां दे इमाम होंगे और झूठियां दे बेली होंगे। हक वाले बंदियां दे नाल कौन होएगा कि जो हक बयान कर दे, नहीं पाने हक नूं छुपाया जाए। ये सारियां गल्लां पूरियां होईयां ने कि नहीं, मैं तो कुछ मिसाल दी। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमाम कायनात हबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
आ सल्लल्लाह सल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दफियाई आ जदों इंज दे गुनाह आम ही हो जाने ने आ जिना भी आम हो जाए और नबी पाक ने बेअमली भी आम हो जाए और झूठे गवाह भी आम हो जान हक नू छुपाण वाले बंदे भी आम हो जान आ वक्त भी तेजी नाल गुजरता पिया होवे और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाह सल्लम ने सही मुस्लिम दे अंदर फरमाया है वा अन अबी हुरैरता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत अबू हुरैरा दे नी आ सरकारे मदीना ने फरमाया है अल्लाह दे नबी ने फरमाया है अल्लाह दे नबियां दे नी ओनी ते तक कयामत कायम नहीं होण वाली आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी किन्नी देर तक कयामत कायम नहीं होएगी मेरे नबियां दे ने यकसुरुल हरज जिन्नी देर तक हरज आम नहीं हो जांदा शाबंद ने सुनिया वमल हरज या रसूल अल्लाह आ सोनिया ए हरज केड़ी शह दा नाम है नबी पाक ने अल कतल अल कतल नबी पाक ने जदों मासरे च कतलो गारत आम हो जावे ए भी कियामत है और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसियाई सरकारे मदीना ने दसियाई वा अन इमरान इब्ने हुसैन قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना आना मेरे महबूब ने फरमाया है सरकारे मदीना ने फरमाया है आमिना दे लाल ने फरमाया है हसन हुसैन दे नाना जी ने फरमाया है यकून फी उम्मती हसफन मसहुन आ नबी पाक दे नी कलफन इमरान इब्ने हुसैन दी रवायत दे अंदर भी आ सोने नबी पाक ने जिवें जिवें कयामत आउणी है जिवें जिवें फितने आने ने नबी पाक ने सकलां भी मसख हो जान बंदे जमीन च दरस जान इमामे कायनात तबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल बिन साद दी रवायत दे अंदर और हजरत इमरान दी रवायत दे अंदर नबी पाक ने नी ये सारे मसले उदों हुंदे ने जदों जिना दे दरवाजे खुलदे ने ये सारे मसले उदों हुंदे नी जदों जनाब कंजरियां नचदियां पईयां हुंदियां ने सारे दरवाजे उदों खुलदे नी जदों मुसीकी आम हो रही हुंदी है इत्थे जनाब होवे मुसलमान शादी दा फंक्शन होवे ते कंजरी नचाएगा कंजर नचाएगा फिर आंदा कि असीं वी इस्लाम वाले ते दीन वाले हुंने आ नबी पाकां ने नी और जदों इंज दा मामला आम हो जाए जिन्हां दे दरवाजे खुले नजर आण जदों इंज दा मामला आम हो जाए शराबां ते पाबंदी ना होए आम पीतियां जाण नबी पाकां ने जदों इंज दा मामला हो जाए कंजरियां दे पैरोकार ते मुहब्बत करन वाले होण नबी पाकां ने नी फिर ते जलजले भी आउंदे ने फिर शराबां पीतियां जाण अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफों अजमैशां सलाब दियां भी आउंदियां ने बंदियां दे धनसन दे वाकयात भी पेश आउंदे ने शकलां मसह होण दे वाकयात भी पेश आउंदे ने आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशीन गोईयां कीतियां अज तों 1400 साल बाद अज सारियां ही सामने आ गईयां अज सारियां ही सच साबत हो गईयां तां ते पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने माजा च फरमाया है वा अन अबी हुरैरता قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم हजरत अबू हुरैरा दे नी आ सोने नबी पाक ने फरमाया है अल्लाह दे नबियां दे नी ला तकूमु सा आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दा सरकारां दे ने आना इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ममाता फकद कामत कयामतहु मरण वाले बंदे दी कयामत कायम हुंदी है नबी पाक ने फरमाया انا وساق هاتين
नबी पाक ने दुनिया वाले हो क्यामत ते मैं मुहम्मद इंज नेड़े आं जिवे मैं मुहम्मद दियां दोवें उंगलां नेड़े नेड़े ने और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं हदीस अर्ज कर रहा वा नबी पाक ने जदों इंज दे माहौल नजर आए जदों इंज दा जनाब बुराइयां नजर आण जदों इंज दे गुनाह नजर आण जदों इंज दी बहावत नजर आए जदों इंज दी सरकसी नजर आए जदों इंज दे बंदे अल्लाह दा खा के बागी बन जाण ते फिर समझ लैणा क़यामत करीब आ गई। इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया जिस मुआशरे च असीं रहिंदे आ किहड़ा चंगा है किन्ने को आपां नेक हाँ हर बंदा अपने आप नूं नेक शो करदा है। मैं आखदा ना नेक शो करना होर गल है नेक बन के विखाणा होर गल है किन्ने को नेक हो और मैं आना होना भी नेक हो ये जिंदा हाथ नहीं अपड़िया तो जिंदा अपड़न दे सारा तकवा बाहर आ जाएगा सारी परहेजगारी बाहर आ जाएगी। इस तक ही है यानी इन्ने कमजोर हाँ सी लोग बस शो कर ले इंज आख लो भी असी शो पीस हाँ शो पीस। और इमामे कायनात ने जड़ियाँ गल्लां कहियां सच साबित हो गई शायद ही कोई रह गई हो और फिर लेकिन इसके बावजूद इतनी बुराई इस माशरे के अंदर इतनी सरकसी इस माशरे के अंदर इतनी बगावत इस माशरे के अंदर इतनी दीन दी तजलील करते हैं इस माशरे के अंदर और अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं हर बंदा अपने स्टेटस को सेट करने की खातर दीन नू पिछे रखता है कि मेरा स्टेटस कायम रहे चाहे दीन जाता है तो चला जाए नमाज जाती है तो चली जाए चाहे उनकी बीवियां की बच्चे की चाहे वह दलदल च फसे ने बुराई दी ते फस जान बेपर्दगी होंगी है तो हो जाए फहासी होंगी है तो हो जाए उरियानी होंगी है तो हो जाए सरे बाजार को जाए तो हो जाए शादी के फंक्शन तो चेहरा नंगा है तो कोई नहीं कुड़ियां मुंडिया की आपस के अंदर मिलाप हों तो कोई नहीं जिना बड़ा व्डा फंक्शन है शादी का कुड़ियां औरतों का मर्दों का इख्तलात है तो कोई नहीं क्योंकि साढ़े व्डिया लोगों का स्टेटस एवं ही होंगे उन्हें व्डे लोग ने तो वे लोगों का मुड़ स्टेटस तो उच्चा होंगे ना कभी जाओ ना लाहौर तुम अब्बल तो शादियाँ तो करना की होंगे तो वे लोगों की शादी वेखो जिन्हों का स्टेटस बड़ा हाई है तो माहौल होंगे ना कोई पर्दा ना कोई गल ना कोई बात ओपन माहौल है ना ओ बुढ़िया बैठिया ने आ फलां बैठे तो मैं कि तुम इन स्टेटस आखते हो इन तरक्की का नाम देंगे हो इसका मतलब है कि जे ए स्टेटस है तो फिर तो दुनिया जहान के सब तो वड्डे कंजर हो गए ना ये तो कंजर का माहौल है जिहड़ा तुम पेश कर रहे हो इन स्टेटस आखते हो ये कंजरखाना है जिथे जिंदी मर्जी को बीवी वेखे जिंदी मर्जी को बेटी देखे कंजरखाना है या स्टेटस है और तुम कंजरखाने स्टेटस का नाम देंगे हो साडा स्टेटस बड़ा उच्चा है मैं भा जी तुम वाकई बड़े उच्चे हो तुहानू तो कोई मिल ही नहीं सकता बड़ा हाई स्टेटस है स्टेटस का क्या मतलब है कोई पेंट चढ़ा ली तेरा स्टेटस अगे हो गया है तेरा बोदा पुट्ठा हो गया तेरा स्टेटस अच्छा हो गया है और तेरी लड़की बगैर बाजुआ तो कपड़े पाती स्टेटस बुलंद हो जाता है और तेरी कुड़ी ने जीन की पेंट पा ली कि स्टेटस बुलंद हो गया है इन्होंने चीज़ों स्टेटस आखते हो बगैरती बेहयाई का नाम स्टेटस रखिया है फांसी उरियानी का नाम स्टेटस रखिया है फिर आते ने जलजले क्यों आते ने इस वजह तो आते सलाब क्यों आते ने फिर आते इस किस वजह से बात कर दे भाई साडा नबी पाक नाल तल्लुक की है बस माड़े मोटे दीनदार लाइया किधरे तो वधाइया किधरे वो असी मुसलमान नबी पाक का नाम तो बरकत ली रखो लिया करो भी असी भी इस्लाम से दाखिल नहीं तो चेक करया करो इन्हों दीन चेक कितने होंगे बड़े बड़े दीनदारा का दीन चेक कितने होंगे घर का माहौल चेक करो शादी विह चेक करो चेक हो जाता भी मसीते तो बड़ा मुफ्ती बनता सी मसीते तो अगली हफ्ते नमाज पढ़ते थे आ की है स्टेटस चुकी फिर वे अपने आम आते साडा स्टेटस हो रहे थोड़ा स्टेटस हो रहे वो भाई असी दीनदार थोड़े वाली बगैरती असं नहीं कर सकते रखो अपना स्टेटस अपने को स्टेटस स्टेटस की बात पूरी दुनिया कर रही इमामे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह।
इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ियां गल्लां आखियां नी जे मैं गुनाहगार हलतां ते मैनू दस क्या इसे चीज का नाम स्टेटस रखे आए इसे कंजरखाने का नाम स्टेटस रखे आए इसे बेहयाई का नाम स्टेटस रखे आए। बंदा मसीतड़े व्याह करन लगे ने उन्हां दा साडा मैच कोई नहीं दा मैं तुसीं किहड़ा मैच खेडना है ग्राउंड च आओ तुहाडे नाल मैच खेडिए किहड़ा मैच खेडना है कोई बांह बूह फड़नी जां कबड्डी खेडनी है कोई शर्म करो कोई हया करो साडा उन्हां दा कोई मैच ही नहीं साडा तो उन्हां दा माहौल ही नहीं रलदा क्यों जी उन्हां दीआं कुड़ियां तो कमरे चों नहीं बाहर आउंदियां साडा उन्हां दा माहौल ही नहीं रलदा मौलवी जी उन्होंने घर ही जाओ तो 24 घंटे परदे ही लमकते हैं वो तो बड़े कोई पिछे जे लोग ने असी तरह एडवांस किस्म के लोग असी तरक्की पसंद लोग वो तो बुढ़िया उन्होंने साड़ियाँ बाहर आके बंदियां नहीं पैंदियां मैं बस इतना फर्क है। बाबा जी गुरदासपुरी फरमाते होंगे जी भी गरीब बंदे की ना लड़की को गलती हो जाए झोंपड़ी के अंदर वह नाम बदकार रखते हैं अमीर आदमी की कोठी च बह के जिना करे वह नाम फनकार रखते हैं इतना फर्क बुराई उन्हें की फनकार हो गई क्योंकि स्टेटस वाली है ना एक गरीब दी सी बदखार हो गई। इमामे कायनात तेरा अपना आप माहौल ठीक करो फिर आंदे हो जलजला आ रहा है दुआ करो अल्लाह सानू बचा ले कसर इतने भी कोई नहीं रहेगी इतने भी सरेआम सड़कों पर वेखो कैसे लिबास ने तो कैसा माहौल है। इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह दे नबी आंदे ने जदों इंज दा माहौल वेखे समझी कयामत करीब आ गई। नबी पाक आंदे ने मैं ते कयामत बड़े ही नेड़े अज आई कल आई तैनूं की पता अल्लाह ने किहड़ा टाइम दिता कदी भी बपा हो सकती है तैनूं ते मैनूं ते तैयारी का हुक्म है अपने अमाल दुरुस्त रख अपना अखलाक दुरुस्त रख अपना किरदार दुरुस्त रख अपना जिन्हों स्टेटस ब्याख नजर आ इन्हू भी दुरुस्त रख अपनी चाल दुरुस्त रख अपना माल दुरुस्त रख पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह। अजय मैंने एक दसो हराम खाना भी कुछ स्टेटस होंगे को बैंक के पैसे खा के चौधरी बने भी स्टेटस है भला मैं दसो हूं तो भाजी हराम खाना भी स्टेटस है क्यों जो ज्यादा हराम खा रहे हो ज्यादा स्टेटस उच्च है जिंदे को ज्यादा हराम के पैसे ने वो बड़े बड़े स्टेटस आ रहे हैं ऐ स्टेटस है। और भाई जड़ा स्टेटस अल्लाह के हाँ उस बंद का बुलंद है रात नूं एक रोटी खांदा ते खांदा भी दाल नाल पर हलाल दी खांदा अल्लाह दा तेरे वर्गा स्टेटस किसे दा है ही नहीं। तेरी इबादत कबूल हुंदी पई है और तेरी नमाज ते कबूल हुंदी पई है हराम खाने की कित्थे नमाज कबूल हो रही है और हराम खांदा हुंदी कित्थे नमाज कबूल हो रही है इबादत कबूल हो रही है। बात स्टेटस की कर दे हो इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह एक हदीस है तिरमिज़ी दी बहुत उदे ते एक रावी तो जरा है मजहूल रावी है लेकिन शेख इब्ने बास और शेख साले उसैमैन उन्होंने कहा कि इहदे शवाहिद बहुत ज्यादा ने सनद के एतबार नाल नहीं मतन के एतबार नाल शवाहिद कि जिन्हियां चीज़ें इस हदीस से जिक्र ने वो बाकी हदीसा जो कितों ना कितों मिलदियां ने और साढ़े तो पहला बहुत सारे मुहद्दिसीन और किबार उलमा ने इन्हूं बयान किया सनद के अंदर कलाम है। इस वास्ते मैं वजाहत कर रहा हाँ कि इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातां नहीं संदन नहीं मतनन अदिल्ला मौजूद ने शवाहिद ने इस वास्ते शेख साले उसैमैन जैसे और इन लोगों ने इस हदीस नु बयान किए वरना सनद के एतबार नाल सुकम है संदन सही नहीं है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है सरकारे मदीना दा परवाना वा अन अबी हुरैरा ता काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे कायनात दा परवाना दई आ सरकारे मदीना ने फरमाया इज़्ज़त तो खिदल फैया दक्द वालन नबी पाक ने फरमाया जदो माले गनीमत भी हलाल हो जाए जड़ा खासियां दा माल है ते खान वाले होर हो जान नबी पाक ने उदो जलजले आंदे ने उदो बंदे मसख हुंदे नी और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने केवल अमानतु मगनमन अमानत नु लोग माले गनीमत समझन उदो जलजले आंदे ने पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने वल अमानतु मगनमन इत्थे किसे बंदे कोल अमानत रख के वेख लो कई बंदे इधर बंदा दे कहे बंदे अमानत रखी है मेरे कोल ते मैं वरत लवां जिदन चाहिए उन्हूं दे देंगा ते महाराज मैं तू तेरे कोल फिर जरूर रखनी सी भी तू जो पैसे रखी तेरे कोल अमानत है पैसे मेरे को पैसे जिदन मंगेगा मैं दे देंगा ते मैं अमानत का की माना हुंदा है अमानत है मैंने मैं जदों उन्हें रखी सी उन्हूं आखिया भा जी मैं वरत लैनी हूँ जिदन चाहिए उन्हें एक दिन पहला फोन करी मैं दे देंगा वह तेनों ईजन दे ते ठीक है अमानत का मतलब यह है उस बंदे ने तेनू पांच पांच सौ के नोट दिते ने ना ते विच कुछ हजार वाले ने जिवें दिते ने ओवें वापस करें इनू अमानत आखदा इनू आंदे अमानत इत्थे जिन्ने चोर ठग सारे अमीन बने ने अमानत का माना भी समझते हो भाई अमानत खयानत नहीं है उन्हू टच नहीं है इमामे कायनात शायद तो बात लंबी ना हो जाए इमामे कायनात तभी बेकिबरिया इसे अमानत खा लेंगे ने बेचारा दे के फस गया पैसे उन्हें भाजू पैसे फड़ाए थी अं पिंड छड़ी जाने तू कि बूबा पट मारे अं लगे जाने घर चुकी जाने मैं लहनत तेरी सोच से चंगा एतमाद किया तेरे ते वड्डा अमीन आया इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ाकातु मगरमन जदों लोग ज़कात नू टैक्स ही समझ लैणगे देनी बड़ी औखी होगी इंज लगता जिवें टैक्स लगा खलोता है इमामे कायनात ने फरमाया जदों ज़कात नू टैक्स समझिया जावे ये जिन्हें भी बंदे कारोबारी ने ज़कात देन लगन कोई बंदा बीमार बीमार ना रह जाए ज़कात देन लगन कोई बंदा गरीब गरीब ना रह जाए ज़कात देन लगन कोई बंदा मस्कीन मस्कीन ना रह जाए इत ज़कातां भी मजबूरी नू देंदे ने टक समझ के देंदे ने आंदे वेखो जी मैं पा जी ना दियो नमाज तेरी खराब होनी है साड़ी कड़ी खराब होनी है साढ़े कोल ते है ही नहीं कि सानू ज़कात लग जाए तेनू ज़कात भी लगती बड़े पैसे वाला बड़ा खाण वाला बड़ा पीण वाला इमामे कायनात ने फरमाया ज़कात तू मगरमन ज़कात नू लोग टैक्स समझन लग जान ते समझ लवी फिर इंज दा मामला होएगा और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता रजुलु इमरातहु व अका उम्माहु बंदे अपनी बीवी दे ताबेदार बन जावन ते मावां दे नाल फरमान हो जावन ते समझी के भी कुर्बे कयामत होएगी फितने दा दौर होएगा शर दा दौर होएगा इमामे कायनात ये तो वेखो गल सीखनी सिखानी कौनी पैंदी इत तो बंदे आपे ही सियाने ने माशाला बुढ़िया के अगे पिछे रेंदे ने मावां भी कभी पुछ पुछ लईदा है वह भी तेरे वजूदे मसूद का सबब बनी है और नहीं मौलवी हूँ माँ भी हो बुढ़ी भी हो सारा कुछ साडा तो ही हो माँ माँ होंगी है बीवी बीवी होंगी बड़ा फर्क है तू किस तरह के पिछ चक्कर च पै गए बीवी आखे सिर भारा हो गया है ये गोडिया पर जा पैंता है नेड़े हो के पुछता की होया अज तो माँ पावा कदों की बीमार पी उन्होंने कभी पूछे ही नहीं सरकार ने जो सारी दुनिया यही होगी ना जिन्होंने मावं का ख्याल नहीं तो फिर अल्लाह जलजले बर्पा कर दे और फिर अल्लाह रत्तियां लाल नेरियां चला देंदे इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, वा अदना सदीका हूँ व अक्सा आबा हूँ। नबी पाक ने कदो पुशीन गोइया दितिया ने, कैसी मौजदा नकल्ला उदो साबित हो गई, मेरे नबी की जबान चो निकलियाँ सच साबित हो गई। साढ़े मुआसरे च इंदी हुंदा है, शरीकत की मुखालफत करेगा पर बीवी की मुखालफत नहीं करेगा, माँ की जनाब मुखालफत करे माँ माँ की इतात करेगा, बल्कि शरीकत के खिलाफ भी चलना पवे तो इंज भी चलते ने। कई दो तरफा काम में दो माने हो गए, या तो एक शरीकत के खिलाफ बीवी की इतात, या तो एक माँ की फरमा बरदारी शरीकत के खिलाफ, या ये भी हो गया कि बीवी का ताबेदार माँ नाल सलाम ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरत अल अस्वात फिल मसाजिद। नबी पाक ने जब मस्जिदों से आवाज़ा बुलंद हो जाव अल्लाह का, फिर असि जल्जले करने। नबी पाक ने इन दालिका, नबी पाक ने उदो इंज हुंदा जलजलतन व हसफन व कसफन व मसखन। नबी पाक ने जो इंज दे हालात बन जावन के कबीले का सरदार भी जलील बंदा होवे, नबी पाक ने कबीले का सरदार भी जलील बंदा होवे, ते जनाब लीडर भी पूरी कौम का रजील तरीन इंसान ते कमीना होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नी, और किसी बंदे का अदब भी लोग करते ने तो दे शर्त डर की वजह तो करन। नबी पाक ने जदों इंज दे हालात मुआसरे के अंदर होवन, इंज दे बंदे भी तैनू मिलन, इंज दे चौधरी भी तैनू मिलन, इंज दे लीडर भी तैनू मिलन, पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंदा ज़ालिका। नबी पाक ने उस वक्त रतियां हनेरियां ज़लज़लतन हसफन मसखन कज़फन। नबी पाक ने जो ये सारा सिलसिला वेखेगा तो सरकारे मदीना ने नी, मेरे नबी पाक ने दसिया सरकारे मदीना ने जमीन च धनसन दे वाकियात वेखेगा, खसकला मसक कौन दे वाकियात वेखेगा। नबी पाक ने जनाब जलजला आन दे वाकियात वेखेगा, पत्थर बरसन दे वाकियात वेखेगा। मसीत जो माशाला हूँ तो मस्जिदा मस्जिद रह गई बैठक ने भाई, मसीत इन्होंने डेरे ने, जोड़ा नमाज पढ़ता आपकी चौंकी ला तो बह जाता उर आप इतने बह के गिला करने, दूजा तो उ अपनी इधरली कौंपनी है। चार चार ग्रुप मसीत बैठे होंगे ने गिले दे शिकवे दे, बस ये नमाज पढ़ना आते हो? ये नमाज ने तेन सबक दिता है कि सलाम फिरता गया तो तू पुठे काम में शुरू हो गया? इन सलात तनहा निलफाई वल मुनकर, हजी नमाज बे ही आई तो बराई तो बचा दी मैं, तू तो डटिया खड़ा तू कि पढ़ी फिर, और तेरी नमाज ने तेन की पत्ते चुगली तो गैब क्यों नहीं की? इसे जनाब इतने टा टा हा हा, वो पुराने दौर चंगे से गल मकाइए, हिंदुस्तान अगर कोई पुराना बुजुर्ग बैठा हो तो मस्जिदां होंदियां सी ने, मस्जिदां मस्जिदां के बाहर ओपन सेन हुंदा सी, उन्हें अंदर फूड़े पै हुंदे सी, या वो लकड़ दियां फटियां लगियां हुंदियां सी, या वो मिट्टी दियां बनियां हुंदियां सी, भी नमाज पढ़ो गपशप करनी तो उत्थे चलो मसीते, वो लोग गल्लां नहीं सी करदे, इन्हां दी तो बैठक ही मसीत भाई। मजलस उन्होंने हजरत उमर के दौर चो बंदे ने माड़ी जी घुर घुर की सही बुखारी से, हजरत उन्हें कौन है तू? आंदा जी मैं तैफ तो आया। हजरत आंदा तू मेहमान ना होता तो मैं तेन वो जुतियां फेरदा, तेन पता लगता कि मस्जिद गल्लां किवें करी दी, तेन मैं सजा देता सरदनस देता कि मस्जिद आदम ही नहीं है, इतराम ही नहीं, नमाज पढ़ के हटे जो जुत्ती पाओ जाओ कि जिक्र जुकर करो घर जाके कुरान पढ़ो, इतने बह जाते हैं चौकियां ला के गिले शिकवे कीपतां चुगलियां, क्या मसला है? केड़ी नमाज पढ़े हो जिन्हें तेरे बुराई क्यों नहीं रोकी? इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह सानू हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह मेरिया भी मेरे भाइयों दी कमजोरियां दूर फरमा दे, ये साढ़े जो कमियां ने सानू अल्लाह पाक साफ कर देना को। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, सरकारे मदीना ने दसिया, अल्लाह दे कुरान ने दसिया, इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा। मेरे नबी पाक ने क्यामत का इलम तो किसी नूं नहीं, पर मैं तेनों मैं दसना जदों इंज दे हालात वेखे तो फिर फिक्रमंद होवीं, जलजला भी आ सकता है, पत्थर भी बस सकते
ने, शक्लां भी मस्क हो सकदियां ने, जमीन च भी बंदे धन सकते ने। फिर अपने ईमान नु चेक करी ते गौर करी, रब दे सामने डिग पवी जदों इंज दे हालात आ जाण। फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तगफिरू रब्बकुम युमत्तिउकुम मताअन हसना। जदों इंज दे हालात वेखे, रब दे अगे डिग के गुनाहां दी माफी मंगी, इस्तगफार करी, हो सकता अल्लाह नू तेरे मेरे ते रहम आवे, ते अल्लाह सानू इन्हां अजमैशां कोलों महफूज ही फरमा लवे। अकुल कुल हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम।